सो हेलो दोस्तों, जब बात आती है बहुत ही पॉपुलर किसी गाड़ी की जैसे कि TVS Ntorq, तो कोई भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोगों को देने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों एक अपडेट आप देख लीजिए, ये है TVS Ntorq की नई रेस एडिशन इन मरीन ब्लू कलर। तो दोस्तों ये जो कलर ये हाल ही में लॉन्च हुआ है और आपको रेड और येलो रेस एडिशन के साथ साथ अभी ये मरीन ब्लू कलर भी मिलने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में। शोरूम की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और अगर आप कोई भी बाइक या स्कूटर लेना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बजा देना। तो दोस्तों ये जो मरीन ब्लू कलर है रेस एडिशन में, इसमें आपको और कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं मिलेगा सिवाय कि आपको ये जो कलर है ये कलर स्कीम मिलता है। अब कलर ऐसा ही चीज़ है कि बहुत लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस रहता है, सब्जेक्टिव मैटर है, हर कलर हर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ब्लू लवर जो लोग हैं उन लोगों को ये काफ़ी एक अलग सा कलर दिखेगा और काफ़ी अनकॉमन सा कलर भी मुझे तो दिख रहा है। आज की तारीख में अगर आप रेस एडिशन को लेने जाएंगे तो लगभग 1,13,000 से 14,000 रुपये का ये ऑन रोड प्राइस पड़ेगा इन कोलकाता। अभी अप्रॉक्सीमेट है, शोरूम टू शोरूम थोड़ा सा वैरी करता है। अब दोस्तों यहाँ पे Ntorq में और कोई चेंजेस नहीं है, आपको पीछे Ntorq की एम्बलम वगैरह ये सब कुछ फीचर्स, इंजन, सस्पेंशन, मीटर कंसोल ये सब कुछ बिल्कुल देखने में सेम मिलेगा। अब दोस्तों आगे से देखें तो आपको कम्प्लीटली एक फाइबर बॉडी मिलता है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो रेस इंस्पायर्ड चेकर्ड फ्लैग ग्राफिक्स मिलता है, साइड में आपको 125 की बैजिंग मिलेगा। आगे की तरफ मडगार्ड में आपको ड्वेल टोन फिनिश देखने को मिलता है, पीछे की तरफ Ntorq 125 आपको 3D में लिखा हुआ मिलेगा, साथ में रेस एडिशन और चेकर्ड फ्लैग की ग्राफिक्स, और गाड़ी की जो निचला हिस्सा है वहाँ पे भी आपको ग्लॉजी फिनिश देखने को मिल जाएगा। अब इस गाड़ी में मैट और ग्लॉजी का एक कम्बाइंड जो कलर स्कीम है वो दिया गया है, कम्बाइंड फिनिशिंग दिया गया है। 125 रेसिंग आपको मीटर के बिल्कुल नीचे भी मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों इंजन पर, तो मैं आप लोगों को सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो इंजन जो है ये सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयरकूल 3-वाल्व 124.79 सीसी का इंजन है जो कि BS6 और फ्यूल इंजेक्शन कंप्लायंट है। सेल्फ और किकस्टार्ट दोनों ही आता है दोस्तों। 9.4 PS की पावर एट 7500 RPM और 10.5 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क एट 5500 RPM आपको इसमें मिलता है। और Ntorq की दोस्तों बहुत सारे वेरिएंट हैं, तो आप कोई भी वेरिएंट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आगे की तरफ देखें तो आपको टी शेप्ड एक DRL मिलता है जिसके साथ LED जो हेडलैम्प्स ही इंटीग्रेटेड है। आगे की तरफ भी आपको बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलेगा। मडगार्ड अगर मेटल का दे दिया होता कंपनी तो और अच्छा होता। Ntorq रेस एडिशन आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा और साइड में आपको BS6 FI की बैजिंग, ऊपर की तरफ आपको हैंडल माउंटेड इंडिकेटर्स और स्मार्ट एक्स कनेक्ट की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि हजार्ड लाइट स्विच जो है ये इंटीग्रेटेड है इसके साथ, तो आप चारों इंडिकेटर्स भी एक साथ चाहे तो जला सकते हैं। फिलहाल इसमें थोड़े से प्लास्टिक माउंटेड है क्योंकि बिल्कुल नई गाड़ी है। तो आगे की तरफ आप देखेंगे तो ग्लॉजी फिनिश के ऊपर आपको TVS की 3D एम्बलम देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। साइड में आपको 125 की बैजिंग मिल जाता है। पीछे की तरफ भी दोस्तों आपको DRL की तरह ही बिल्कुल सेम आपको बैक लैंप यूनिट मिलेगा जो कि LED में है, और एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड इंडिकेटर्स आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा कुछ फेक एयर वेंट्स के साथ साथ। अब मीटर कंसोल के बारे में दोस्तों नया कुछ बताने वाला नहीं है, कंप्लीटली स्मार्टफोन कनेक्टेड फुल्ली इन्फॉर्मेटिव मीटर कंसोल है। बस RPM मीटर को छोड़ के आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको ब्लूटूथ पेयर मोड, दो अलग अलग राइडिंग मोड भी यहाँ पे दिखाता है हालांकि है नहीं, और इंजन टेम्परेचर, फ्यूल इंडिकेशन, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, लैप इन्फॉर्मेशन और बाकी जितने भी सारे इंडिकेशंस हैं, फ्यूल वगैरह सब कुछ आपको मीटर कंसोल में दिख जाएगा और आप स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों हजार्ड लाइट इसमें इंटीग्रेटेड दिया गया है। इसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो 118 kg की इसकी कर्ब वेट है, दो हुक्स आता है, एक आगे की तरफ और एक आपके निचले हिस्से पर जहाँ पे आप पैर रखते हो, तो स्टोरेज का कोई यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं। लेग स्पेस की अगर बात करें दोस्तों तो ये एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूटर है, हालांकि फुल्ली स्पोर्ट्स स्कूटर नहीं है कि लेकिन स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूटर है, तो इसीलिए आपको स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेग स्पेस इज जस्ट अबाउट एनफ टू कीप योर लेग्स। आप अगर सामान या फिर कोई भी गैस सिलेंडर वगैरह कैरी करना चाहते हैं तो वो इस लेग स्पेस में नहीं होगा। सीट की बात करें दोस्तों तो काफ़ी ठीक ठाक सीट है, आपको इसमें ड्यूल टोन फिनिश देखने को मिल जाएगा, और सीट्स की सीट का जो हाइट है अराउंड 770 mm का है जो कि एक आदमी, नॉर्मल सा आदमी आराम से इसमें बैठ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों सीट के नीचे देखें तो जो सीट के नीचे स्पेस है ये अराउंड 22 लीटर्स का है जो कि बहुत ही अच्छा है, और आपको साथ में USB चार्जर और बूट लैंप भी मिल जाएगा। एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप है दोस्तों 5.8 लीटर्स की, आपको पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश दोस्तों Ntorq का हमेशा से ही अच्छा था, लेकिन बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो सकता है।
22 लीटर्स की अंडर सीट स्पेस है दोस्तों, तो इसीलिए आपको कोई सामान वगैरह आप अगर रखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको चाबी को खोल के यहाँ पे सीट और फ्यूल टैंक को एक्सेस करना पड़ेगा। फुट पेक्स को देखें दोस्तों, तो फुट पेक्स भी एल्यूमिनियम के हैं, अच्छे हैं, और रेस इंस्पायर्ड आपको एग्जॉस्ट नोट मिलेगा और एग्जॉस्ट का जो पाइप है वो भी मिल जाता है। अब आगे की तरफ देखें तो सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक है और दोनों ही तरफ आपको डायमंड कट स्टाइल के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही आपको 12 इंच के ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स मिलेगा। आगे की तरफ 100x80 सेक्शन और पीछे 110x80 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिलेगा। आगे की तरफ आपको 220mm की स्टैंडर्ड डिस्क आता है। पीछे की तरफ गैस फील्ड हाइड्रोलिक कॉयल स्प्रिंग मोनो सस्पेंशन मिलता है और पीछे 130mm की ड्रम मिलेगा। और इसमें CBS दिया गया, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा बाकी सारी स्कूटर्स की तरह। और इसमें व्हील बेस है 1285mm जो कि काफ़ी अच्छी है। माइलेज की बात करें दोस्तों तो आपको अराउंड 40 से लेकर 41-42 के आसपास मिल सकता है अगर आप एक डिसेंट तरीके से इस गाड़ी को राइड करते हैं तो, ज़्यादा रेव करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। और एंटॉक एक पॉपुलर गाड़ी है, TVS की स्पेयर पार्ट्स के दाम भले ही ज़्यादा है लेकिन आपको एंटॉक की जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये लगभग हर जगह पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कलर कैसा लगा ज़रूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ।